Now students, let me discuss a, a very very interesting but a bit a tricky topic. के for example आपने user stories भी लिख ली हैं। अब आपने ये बताना है कि user story जब develop होनी है, तो वो कितनी देर का काम है? यानी estimations. Uh, traditionally अगर मैं आपसे बात करूं, typical जो software houses होते हैं, वो estimations करते हैं hours में, यानी ये कितने घंटे का काम है? अब जो एस्टिमेशन हैं दैट इज़ यानी ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है यानी कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट एस्टिमेट करना नामुमकिन होता है तो आपसे जब आपका फॉर एग्जांपल मैनेजर या स्क्रम मास्टर ये पूछे कि ये काम कितनी देर का है तो आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी चार घंटे का लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चार घंटे मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस वो चार घंटे पाँच छः सात घंटे हो जाते हैं तो जो मैन आवर एस्टिमेट है वो टिपिकल वाटरफॉल मॉडल में तो बड़ा अच्छा चलता है लेकिन जब हम एजाइल में आते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि एजाइल में जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास टाइम कम होता है तो अमूमन डिवेलपर्स एक, एक मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो बेस्ट केस देख लेते हैं यानी वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र रजिस्ट्रेशन करनी है तो यूज़र रजिस्ट्रेशन करने में कितना टाइम लगेगा अब यूजर रजिस्ट्रेशन करने के कुछ फर्दर uh, स्टेप्स भी इन्वॉल्व है वो उसको स्किप कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल यानी वर्स केस को वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या वो कहते हैं कि ये जो इसका फॉर एग्जाम्पल एडिशनल स्टेप्स हैं वो कोई और डेवलपर कर रहा है या ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो काम हुआ होगा यानी बेस्ट केसेस के बेसिस के ऊपर एस्टिमेशंस दे देते हैं दैट्स द वन थिंग सेकेंड वरी वेरी क्रॉनिक यानी बड़ी खतरनाक चीज़ वो ये है और ये बड़ी कॉमन है, होती है कि एक डेवलपर ने एस्टिमेट दिए कि ये काम फॉर एग्जांपल छः घंटे का, example, का और जब उसने एस्टिमेट्स दे दिए ड्यू टू यू नो डायनमिक्स मैनेजर ने उस डेवलपर को उस प्रोजेक्ट से निकाला और दूसरा डेवलपर है उसको ये टास्क असाइन कर दिया अब जब उसको ये एस्टिमेशन हुए हुए मिलेंगे कि ये काम छः घंटे का है और जब वो खुद एस्टिमेट करता है वो कहता है नहीं ये छः घंटे का काम नहीं है ये फॉर एग्जाम्पल दस घंटे का काम है देन वी हैव अ एंड दिस दिस पॉइंट आई हैव सीन के डेवलपर्स क्योंकि हर डेवलपर का काम करने का तरीका काम करने का द तो वे टू तो डू वर्क द द एफिशिएंसी द माइंड सेट वो डिफरेंट होता है यानी ये कोई मजदूर नहीं है कि ईटें के रखनी है ऐसा नहीं है हर एक डेवलपर की एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी के बारे में या रिक्वायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है तो अगर एक बंदा एस्टिमेशन कर रहा है दूसरा बंदा डेवलपमेंट कर रहा है तो इट इज इट इज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टिपिकल सॉफ्टवेयर हाउसेज में खासतौर पर पाकिस्तान में जब एक डेवलपर कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक काम घंटे का है तो हम उसे कहते हैं कि जी अब छे घंटे लॉक करो जाके किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जायरा के अंदर लॉक करो आ, या अटेंडेंस सिस्टम में लॉक करो क्योंकि एंड में हम ये देखते हैं कि अगर छः घंटे का काम था यानी उसकी एस्टिमेशन थी छः घंटे की और उसको काम करने में लगे हैं फॉर एग्जांपल दस घंटे तो उसका मतलब है या तो उसकी एस्टिमेशंस ठीक नहीं थी या उसने एस्टिमेशन्स गलत दी थी यानी हम डिवेल्पर की जो परफॉर्मेंस है वो लिंक कर देते हैं आवर्स के साथ दैट इज रॉन्ग एक्चुअली रीजन के जो जो डेवलपमेंट है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है यानी फॉर एग्जांपल एक दिन डेवलपर का काम करने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन वो काम कर रहा है क्योंकि उसने ऑफिस आना है तो हो सकता है वो दो घंटे का, का काम छः घंटे में कर रहा हो और एक दिन उसका माइंड फ्रेश है वो मोटिवेटेड है हाई एनर्जी में है तो छे घंटे का काम उसने चार घंटे में कर दिया सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टेब्लिश कि जो मैन आवर्स होते हैं वो इट इज मैन आवर्स आर नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिवेलपर क्योंकि सॉफ्टवेयर uh, डिवेलपमेंट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत मशहूर है पीपल मैनेजमेंट पीपल मैनेजमेंट ये कहती है कि यू हैव टू कीप योर डेवलपर्स मोटिवेटेड ताकि आप छः घंटे का काम रिड्यूस करवा सकें अगर आप डिवेलपर को बाउंड कर देंगे ना कि छः घंटे में काम करो वरना यू विल गेट पिनलाइज और कुछ और एच के इश्यूज आ जाएंगे देन लेस्ट श्योर कि आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो डाउनफॉल की तरफ है इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिकली नहीं हुआ करती लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन मेजोरिटी कंपनीज इन पाकिस्तान दे आर फॉलोइंग दिस थिंग यानी मैन हावर की बेसिस के ऊपर ही वो एस्टिमेशन करवाती हैं